गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये लेक्चर है जिसके अंदर आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डिफरेंट रिसर्च डिजाइन। डिफरेंट रिसर्च डिजाइन को हम शुरू करें उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि कोई भी रिसर्च डिजाइन जो बनती है उसके अंदर कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि उसका एसेंशियल पार्ट होती है। वो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन। लेकिन वहां पर जब मैंने ये कहा था कि जब भी आप रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर डिपेंड करता है कि आप स्टडी किस तरह की कर रहे हैं, यानी कि उसमें जो आप रिसर्च करोगे वो रिसर्च किस तरह की है। क्या वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज कर रहे हैं आप, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं, या डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, या फिर वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी है, किस तरह की स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग उस रिसर्च डिजाइन के अंदर कुछ स्पेशल चीजें और ऐड करनी होती हैं। तो जो बेसिक चीजें हैं जो हमने फीचर्स वाले चैप्टर के अंदर कवर किया था वो तो उसके अंदर होती ही होती हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन कुछ और चीजें जो स्पेशल चीजें हैं जो उसके अंदर कवर होंगी ही होंगी, उसको हम डिफरेंट रिसर्च डिजाइन के अंदर हम यहां इस टॉपिक में कवर कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं डिफरेंट रिसर्च डिजाइन की, तो इसके लिए अलग से कोई कैटेगरी नहीं होती है, इसको हम रिसर्च स्टडी के कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही बांट लेते हैं, ठीक है ना। जितनी तरह की रिसर्च स्टडी होती है उतनी तरह की डिजाइन भी प्रिपेयर होती है। यूं तो कई तरह की होती है लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके लेवल के अकॉर्डिंग यहां पर तीन तरह की रिसर्च स्टडी की बात की जा रही है। एक तो पहली रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज, ठीक है, कि एक्सप्लोर करने वाली अगर रिसर्च स्टडी है तो फिर वहां पर किस तरह की डिजाइन बनेगी। दूसरी जो रिसर्च स्टडी की बात कर रहे हैं, दूसरी जो डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो वो है रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक को दोनों एक में ही कवर कर लिया है, क्यों किया है वो हम जब कवर करेंगे इसको तब बताऊंगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक दोनों तरह की रिसर्च स्टडी के अंदर जो डिजाइन होती है वो एक जैसी ही बनती है, ठीक है, और रीजन हम करेंगे जब इसको हम करेंगे। और थर्ड तरह की जो डिजाइन है उसकी थर्ड तरह की जो रिसर्च स्टडी होती है वो है रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज, ठीक है। तो तीन तरह की हेडिंग्स हमने देख ली है, जान ली है कौन कौन सी हैं। अब इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये जब आप बुक से पढ़ते हैं या कहीं से ही पढ़ो तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज बहुत ही टिपिकल और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की आपको मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में ये इतना हार्ड नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि हमें रिसर्च डिजाइन से पहले उसकी रिसर्च स्टडी के ऊपर फोकस करना है। इसको समझ लो, ये अपने आप आपको थोड़ा बहुत हिंट मिलता रहेगा और आप इसको आराम से समझ लोगे। तो रिसर्च डिजाइन पे सीधा मत जाओ, उसकी स्टडी का काइंड जो है उसके ऊपर जाओ कि वो रिसर्च स्टडी किस तरह की है। तो फर्स्ट के अंदर जो हेडिंग है वो है रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज, यानी कि हमें रिसर्च स्टडीज जो है उस पर फोकस करना है। तो वो कौन सी है? एक्सप्लोरेटरी। अब एक्सप्लोरेटरी मतलब, एक्सप्लोरेटरी का जो मीनिंग होता है वो होता है डिस्कवरी ऑफ आइडियाज एंड न्यू इंसाइट्स। जो नए नए आइडियाज हैं, जो नए इंसाइट्स होते हैं उसको डिस्कवर करना, उसी को हम बोलते हैं एक्सप्लोर कर देना, ठीक है ना। एक्सप्लोर करिए अपने विचारों को, ठीक है ना। तो एक्सप्लोर कैसे करोगे? तो आप जब नए आइडियाज, नए इंसाइट्स की डिस्कवरी की बात करते हैं, इसका मतलब आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये तो शब्द का मीनिंग हुआ। देखो, हम सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं तो उस चक्कर में कई बार छोटी छोटी चीजें जो बहुत ईजी होती हैं उसके ऊपर फोकस करना भूल जाते हैं और हमें वही सिलेबस बहुत ही मुश्किल लगता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, तरीके से की जाए तो बहुत ईजी है। तो एक्सप्लोर करने का समझ लिया मतलब, इसका मतलब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो रिसर्च स्टडी है वो एक्सप्लोर करेगी कुछ ना कुछ इसके अंदर, ठीक बात है। इसका दूसरा नाम जो है वो है फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज। फॉर्मुलेट किया जा रहा है, कुछ नया फॉर्मुलेट करेंगे हम, ठीक है ना। अब फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो फॉर्मुलेटिंग ए प्रॉब्लम
फॉर मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन। एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया जाएगा। फॉर्मुलेट कैसे किया जाएगा? जब आपके पास नए आइडियाज आएंगे कि आपको कुछ डिस्कवर करना है, कुछ आपको एक्सप्लोर करना है, तो उसके आधार पर आप एक प्रॉब्लम बनाते हैं। प्रॉब्लम बनाई जा रही है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं है, प्रॉब्लम को बनाया जा रहा है, ठीक है ना। रीजन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग। तो फॉर्मुलेटिंग ए प्रॉब्लम फॉर मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा प्रिसाइज करने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए आप फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी करते हैं, जिसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी बोलते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि रिसर्च स्टडी किस तरह की है, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं रिसर्च डिजाइन की, कि ये रिसर्च डिजाइन क्या है। देखिए, जब भी एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी की जाती है, तो उसके अंदर रिसर्च डिजाइन जब बनाएंगे तो जो फीचर्स वाली बात है वो तो ध्यान में रखो ही, उसके अलावा जो स्पेशल चीज है मैं सिर्फ उसी को यहां फोकस कर रहा हूं। तो रिसर्च स्टडी, इस तरह की रिसर्च स्टडी के अंदर जब डिजाइन बनाई जाएगी तो वो फ्लेक्सिबल होगी, फ्लेक्सिबल टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। किस तरह की? फॉर कंसिडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम। आप जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग आयामों को, उनको कंसिडर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी हमें मिले जब हम रिसर्च करें, तो उसके अकॉर्डिंग ही रिसर्च स्टडी बनाई जाती है, रिसर्च डिजाइन बनाई जाती है। अब अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात की जा रही है, तो उस वक्त कैसे हालात होंगे जब हम स्टडी करेंगे, उस वक्त हमारे साथ में क्या सोर्सेज अवेलेबल होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें नहीं पता। क्योंकि जब हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जाते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग जोर भी ज्यादा आता है, इसलिए हमें डिजाइन इतनी फ्लेक्सिबल बनानी होती है कि हमें वहां पर वर्क करते हुए कोई दिक्कत ना आए। इसलिए इसको यहां लिखा है मैंने फ्लेक्सिबल, दिस डिजाइन मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन दिस रिसर्च स्टडी, ठीक है, इजी है। अब यहां पर इस तरह की जो डिजाइन बनती है इस स्टडी के अंदर, इसको हम तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। एक कैटेगरी तो ये है, दूसरी कैटेगरी ये है, और तीसरी कैटेगरी जो है उसको मैं ये टिक कर देता हूँ और इसको मैं ऐसे कवर कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको अलग दिख रहा होगा। तो रिसर्च डिजाइन जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी के अंदर बनेगी, उसके अंदर एक चीज तो ये कि सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर, जो कंसर्निंग लिटरेचर है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो या जिसको पढ़कर आपको नए आइडियाज मिल रहे हैं कि चलो इसके ऊपर रिसर्च किया जाए, कुछ एक्सप्लोर किया जाए इसके रिगार्डिंग, तो उसको शामिल करते हैं। इस फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, इजी है। अगर एक बार आपको कोई चीज समझ में आ जाती है तो फिर उसके बाद में आप उसको कितना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रॉब्लम समझने की है, एक बार समझ लो तो एक्सप्लेन करना आ जाएगा। अब किसी को एक्सप्लेन करने में दिक्कत है तो फिर वो एक अलग ही इशू हो गया, ठीक है। वैसे उसका भी जो है निदान हो सकता है, वो ये है कि आप अपने किसी भी साथी के साथ डिस्कस किया करो। ये मैं क्लास में बताता रहता हूँ कि आपको अगर चीज़ों को एक्सप्लेन करना नहीं आता है तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना चाहिए कोई भी टॉपिक जो आपके सिलेबस का हो, ठीक है ना। उससे आपको क्या होगा कि एक तो झिझक खुल जाएगी, दूसरी चीज आपको एक्सप्लेन करना आ जाएगा किसी भी चीज को, कितना भी आपका उसमें दिमाग लगेगा, और जो चीज आपको नहीं पता है वो आपके फ्रेंड्स आपको बताएंगे, तो जब डिस्कशन होता है तो उसमें काफी फायदा रहता है। एक बार बोलना सीखो फिर आपको लिखना भी आएगा, जो बोलोगे वो तो लिखोगे। तो समझने की बात है कि सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर क्या होता है, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सपीरियंस सर्वे। एक्सपीरियंस सर्वे क्या होता है कि जो भी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, एक्सपीरियंस्ड स्कॉलर हैं, अब एक्सपीरियंस सबका अलग अलग हो सकता है, तो हम कौन से एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के पास जाएंगे जिसको उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ आइडिया होगा, ठीक बात है। आप मुझसे ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हो जो मेरे ना तो कभी काम आया, ना ही मेरे को उससे मतलब है, ना ही मैंने उसके ऊपर कभी स्टडी की है, या स्टडी की भी है तो मेरे कभी काम नहीं आया। तो जो चीज टच में नहीं है उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा, ठीक है। तो हम जब एक्सपीरियंस सर्वे करते हैं तो एक्सपीरियंस सर्वे के अंदर एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, लेकिन जिसका उस टॉपिक या उस फील्ड से रिगार्डिंग, जिसके ऊपर रिसर्च की जाएगी उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपीरियंस हो,
तो उससे जब हम कोई भी चर्चा करते हैं तो उस फैक्टर को भी डिजाइन के अंदर ध्यान रखा जाता है कि हमें उस व्यक्ति से बात करनी है या हमने उस व्यक्ति से बात की थी और फिर बाद में हमें ये पता लगा कि हमें ऐसे ऐसा करना है, तो फिर वो डिजाइन भी उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल क्यों होती है, फिर से कहूंगा जब हमें अलग अलग एस्पेक्ट पे फोकस करना होता है तो फ्लेक्सिबल बनाना ही होता है, ठीक है। और तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरा जो फैक्टर रिसर्च डिजाइन बनाते टाइम ध्यान रखना चाहिए वो है एनालिसिस ऑफ इनसाइड स्टिमुलेटिंग एग्जांपल्स। एनालिसिस ऑफ इनसाइड स्टिमुलेटिंग एग्जांपल्स, इस फैक्टर को भी इस पर ध्यान रखना होता है। अब ये है क्या चीज, तो मैंने देखो इसका मीनिंग लिखा है, इंटेंसिव स्टडी ऑफ सेलेक्टेड इंस्टेंसेस ऑफ इंटरेस्टेड फिनोमिनन। अब ये क्या चीज है कि आपका जिस भी फिनोमिनन के अंदर, जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको आप स्टडी करते हैं, और स्टडी कैसी, इंटेंसिव, यानी कि अच्छे से। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा उसी को तो हम रिसर्च के अंदर कवर करेंगे, यानी कि हम उसी पर रिसर्च करेंगे। मैं उस इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। इंटरेस्ट मतलब ये है कि आपको जो टॉपिक आपने फॉर्मुलेट किया है, जो प्रॉब्लम आपने फॉर्मुलेट की है, जिसके ऊपर रिसर्च करनी है आपको, उसके अंदर कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, और उसमें से कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। जैसे कि आपको मोटी मोटी वो कमेंट्री बुक पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन वहीं पर अगर आपको शॉर्ट नोट कहीं मिल जाते हैं तो आपका बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है उसमें, चलो ठीक है फटाफट हो जाएगा। तो फिनोमिनन कौन सा चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, और उसके ऊपर फिर इंटेंसिव स्टडी, ठीक है ना। तो आप जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके दौरान आपको सोर्सेज कई मिल सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि एक सोर्स का दूसरा अल्टरनेट सोर्स मिल जाए। तो अब आप कौन सा चूज करोगे स्टडी करने के लिए, जो आपको इजी हो और जो आपका इंटरेस्ट पैदा करे। अब हो सकता है कि किसी का कॉम्प्लिकेटेड चीजों में इंटरेस्ट पैदा हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट सबका अपना अपना होता है, ठीक है। तो तीन फैक्टर्स होते हैं जो रिसर्च डिजाइन इस स्टडी के अंदर जब बनाते हैं तो इस पर ध्यान रखना होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारी रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज हो चुकी है। दूसरी तरह की जो कैटेगरी है वो है रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज। जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी करते हैं या डायग्नोस्टिक करते हैं तो उसके अंदर जो डिजाइन बनाई जाएगी वो रिसर्च डिजाइन उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी। अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक, ये ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था, रेगुलर क्लासेस चल रही थी, उस वक्त भी स्टार्टिंग के सेशन के अंदर आपको ये सब चीजें बता दी गई थी कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है और डायग्नोस्टिक क्या होता है। फिर भी मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है, डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या, डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ग्रुप, उसको उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी जो फीचर्स होती हैं, जब उसको हम डिस्क्राइब करते हैं किसी रिसर्च स्टडी के अंदर, इसका मतलब वहां पर उस हद तक जहां तक हम ऐसा कर रहे हैं उस हद तक वो स्टडी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी है। यानी कि मेथड वहां कौन सा लग रहा है, वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का लग रहा है। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं कि एक रिसर्च जब की जाती है तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि स्टडी का नेचर एक ही तरह का हो, एक ही मेथड अपनाया जाए जरूरी नहीं है। जहां पर आप रिसर्च किए जा रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि किसी पोर्शन में, किसी स्टेप पर आपको वहां पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी पड़ जाए, ये हो सकता है कि कहीं पर आपको अप्लाइड करनी पड़ जाए, कहीं हो सकता है कि आपको डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी करनी पड़ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो जितनी तरह की ज्यादा नेचर की स्टडी आप अपनी रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं, आपकी रिसर्च डिजाइन उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपकी कोई रिसर्च ऐसी हो जिसके अंदर एक्सप्लोरेटरी भी कवर हो जाए, डिस्क्रिप्टिव भी आ जाए, डायग्नोस्टिक भी आ जाए और हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब ऐसी कंडीशन में रिसर्च डिजाइन कैसे बनेगी, तो रिसर्च डिजाइन उसके अकॉर्डिंग ही उन सब चीजों को शामिल करते हुए बनेगी, ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी, तो इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी का क्या मीनिंग है वो हमने यहां समझ लिया, डिस्क्राइब कर रहे हैं, सही है या गलत उस पर नहीं जा रहे, डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। मैं यहां पर खड़ा हूं, आपको मुझे डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्राइब कैसे करोगे कि सर की हाइट इतनी है जो दिख रही है, आपको मेरे पैर तो नहीं दिख रहे होंगे, तो यहां से यहां तक की हाइट जो है आपको सिर्फ उतना डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक हो सकता है कि मैं आपको 5 फुट का भी ना लगूं,
तो मेरी हाइट क्या इतनी हो गई? नहीं, तो आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो जो आपको दिख रहा है कि सर की हाइट 5 फुट दिख रही है, दिख रही है, एक्चुअली कितनी उससे मतलब नहीं है। सर ने आज जो शर्ट पहनी है वो इस कलर की है जो दिख रही है आपको, हो सकता है कि कैमरे में कुछ और नजर आ रही हो और जब कैमरा हटाकर रियल में देखा जाए तो हो सकता है कुछ और नजर आ रही हो, ठीक है। तो जो डिस्क्राइब करना है हमें, उसमें जो हमें लगता है, जो हमें दिख रहा है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हम सिर्फ उसी को कवर करते हैं, ठीक है। फिर वो हो सकता है गलत भी हो जाए, वो हमारी रिसर्च के अंदर आ जाएगा, जो गलत है सही है वो हमारे कंक्लूजन पहुंचते पहुंचते सब सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वर्ड है इसके अंदर डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी। अब डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी क्या होती है समझिए, लिखा है डायग्नोस्टिक का मतलब फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स। फ्रीक्वेंसी, एक के बाद एक कोई घटना कितनी टाइम में हो रही है। जैसे आपने व्हाट्सएप के ऊपर या सोशल मीडिया पे और कहीं भी ये मैसेज पढ़ा होगा कि ये दुनिया, अब ये सच है नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं इसकी सत्यता के ऊपर कुछ भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम उस मैसेज का हवाला दे रहे हैं। मैसेज आता है कि हर 100 सालों में ये दुनिया किसी एक महाभयंकर बीमारी से या महाभयंकर वायरस से ग्रस्त होती है। 2020 चल रहा है, 1920 में भी ऐसी ही एक बीमारी फैली थी, उससे पहले 1820 में भी ऐसी ही बीमारी फैली थी। तो हर 100 सालों में ये एक जो रोटेशन है पूरा होता है, और अब नेक्स्ट बीमारी 2020 के बाद 100 साल यानी कि 2120 है ना, वहां पर ये आएगा। तो ये जो डायग्नोस्टिक हमने किया है कि बीमारी 100 साल में आ रही है, यानी कि एक चीज 100 साल पे वापस अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 1820, 1920 और 2020 तीन बार आई है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 3, ठीक है ना। और 100 साल पे कवर हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी गैप कितना है? वो है 100 साल, ठीक है ना। तो डायग्नोस कैसे किया? फ्रीक्वेंसी से। आपने ये स्कूल टाइम में मैथ्स में भी कवर किया होगा, मैथ्स के अंदर भी आता है ना कि एक संख्या कितनी बार आ रही है, तो हम उसको देखते हैं कि भाई एक बार है चलो एक डंडा लगा दिया, ठीक है, दो बार है तो 2 डंडे लगा दिए, और 3 बार है तो 3 डंडे लगा दिए, 4 बार है 4 लगा दिए, और 5वां है तो हम ऐसे कर देते हैं, ये याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, और उसको हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी में ऊपर एफ लगाकर, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है। तो वही चीज यहां पर है। तो हम किसी बीमारी को डायग्नोस करना चाहते हैं, या किसी भी बीमारी की बात नहीं, कुछ भी चीज हम डायग्नोस करना चाहते हैं, उसका मतलब पता लगाना। पता कैसे लगाओगे? फ्रीक्वेंसी से। आप कहते हो डॉक्टर साहब के पास जाकर, डॉक्टर साहब मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया है, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपको क्या क्या बीमारी होती है, कितने कितने टाइम पे होती है, कब कब हुआ है ये बताइए, और कौन से मौसम में होता है ये बताइए, रात रात को होती है या दिन दिन में होती है, और अगर आपने पहले भी दिखाया है चाहे मुझे या दूसरे डॉक्टर साहब को, तो उसकी पर्चियां दिखाइए ताकि मैं पता लगा सकूं कि आपको कितने टाइम में क्या क्या बीमारियां होती आई हैं, ठीक है ना, और उसकी दवाइयां क्या क्या आई हैं और उससे कितना असर पड़ा है, और फिर आप फिर से बीमार कितने टाइम में पड़ते हो। तो ये फ्रिक्वेंसी चेक कर रहा है डॉक्टर, ठीक है ना, वो डायग्नोज तो ही कर पाएगा कि आपको एग्जैक्टली बीमारी क्या है, क्या वास्तव में आपका इम्यून सिस्टम खराब हुआ है या फिर ये नेचुरल है ऐसे ही। तो वही चीज है डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हमने मीनिंग समझ लिया डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी होती क्या है। अब इसके अंदर रिसर्च डिजाइन कैसे बनेगी, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है रिसर्च डिजाइन। जब भी इस तरह की रिसर्च की जाती है, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो या डायग्नोस्टिक हो, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि रिसर्च डिजाइन जो है वो दोनों के लिए एक जैसी ही बनती है। रीजन, तो रीजन मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, तो वो अब वक्त आ गया है कि मैं आपको रीजन बताऊं कि दोनों में रिसर्च डिजाइन जो है एक जैसी क्यों बनती है। कारण जो लिखा हुआ है वो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ सोशल रिसर्चेस, मतलब जितनी भी सोशल रिसर्चेस होती हैं, सब तो नहीं लेकिन लगभग लगभग सारी, वो सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लीगल जो रिसर्च स्टडी होगी वो इस तरह की नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन फिर भी अधिकतर जो है सोशल स्टडी जो की जाती है, रिसर्च की जाती है सोशल लेवल पर, वो इस तरह की जाती है। जैसे सोसाइटी के अंदर लोगों का बिहेवियर कैसा है, जी ये पता करना है, तो बिहेवियर कैसा है तो ये सोशल रिसर्च हुई, लीगल रिसर्च तो होने से रही,
ठीक है ना। और इसके अंदर लोग क्या करेंगे, डायग्नोस तो करेंगे ना कि इस तरह का अगर कंडक्ट किया जाता है तो दूसरे से रिएक्शन ऐसा आता है, क्या हर बार ही आता है, वो चेक किया जाएगा, उसके लिए ऑब्जर्व किया जाएगा। वो डिस्क्राइब करेंगे कि लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी जो है जनरली सोशल रिसर्च के अंदर कवर होती है, तो इसीलिए दोनों के अंदर रिसर्च डिजाइन जो है वो कॉमन ही बनती है। अब वो है कैसे कैसे, उसमें क्या क्या डिजाइन में हम चीजों को ध्यान रखेंगे और इंक्लूड करेंगे, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये 5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव तो फॉर्मुलेट करोगे ना, ठीक है, तो इजी सा है। सेकेंड है डिजाइनिंग डेटा कलेक्शन मेथड्स। डेटा कलेक्शन के लिए कुछ मेथड आपको अपनाने हैं, तो वो मेथड कौन कौन से होंगे उसके बारे में आप डिजाइन तैयार करते हो, तो वो भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि सोशल साइंस है, सोशल रिसर्च है, इसके अंदर आपको डेटा कलेक्शन का मेथड जो है बहुत सोच समझकर चूज करना होगा। तीसरा है सेलेक्टिंग सैंपल्स। नाम से साफ है, समझ गए होंगे, सुनाने की जरूरत नहीं है। कलेक्टिंग प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हो तो कैसे करोगे कलेक्ट, उसको प्रोसेस कैसे करोगे और कैसे एनालाइज करोगे, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर डिजाइन के अंदर आपको तैयार करनी होती है। फिर क्या क्या किया आपने वो रिसर्च में आ जाएगा। रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स, और बाद में फाइंडिंग रिपोर्ट होगी तो किसको करनी है, कैसे करनी है, वो सब भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना, और कितने टाइम में करनी है, ठीक है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं अपनी जो फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन थी उसको ही कवर कर रहा है। वही सबसे इजी रिसर्च डिजाइन होती है, सबसे इजी रिसर्च भी होती है ये। तीसरी कैटेगरी है रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च क्या होती है ये मैं कई बार बता चुका हूं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज जो होती है वो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं, टेस्ट करने के लिए हमें मैनिपुलेशन करना होता है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हो गई। अब ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज थोड़ा सा हम और डिटेल में समझे तो क्या है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, कैजुअल रिलेशनशिप, उसके आधार पर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो इसके आधार पर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करेंगे, तो हम वेरिएबल के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं कि वेरिएबल जो है इस कंडीशन में ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो चलो इसको कंडीशन दूसरी देते हैं, फिर देखते हैं। तो इस तरह से हमने कंडीशन के अंदर चेंजेस ला दिए, उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट होता है कि मेंढक जो है वो अगर उसको पानी के अंदर उसको डालते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है, उसको जमीन पे रखते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है, और अगर उसको रस्सी से बांध दिया जाए जिंदा तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो वो सारी सारी चीजें जो हैं जैसे साइंटिस्ट करते हैं, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर है, ठीक है ना, कि हम वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस ला रहे हैं और चेंज के आधार पर हम स्टडी करते हैं हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या बैठ रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो रिसर्च स्टडी होती है उसके अंदर डिजाइन बनेगी वो क्या होगी, तो इस तरह की जो डिजाइन रिसर्च डिजाइन जो बनती है इस तरह की स्टडी के अंदर, वो एक्चुअल में उस एक्सपेरिमेंट की ही डिजाइन बनती है, ठीक है ना। जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उस एक्सपेरिमेंट की डिजाइन बनाओगे, इसका मतलब आप एक तरह से इस रिसर्च स्टडी के अंदर रिसर्च डिजाइन बना रहे हो, ठीक है। तो इसमें अलग से कोई स्टडी, अलग से कोई रिसर्च डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक्सपेरिमेंट की डिजाइन बनाओगे मतलब रिसर्च डिजाइन इसकी बन रही है पूरी पूरी, ओके। तो इस तरह से हमने ये तीनों के तीनों हेडिंग्स हमने कवर कर लिए हैं जो डिफरेंट रिसर्च डिजाइन के अंदर कवर हो रहे हैं, ठीक है, कि रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज, जिसको फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी बोलते हैं दूसरा नाम, ठीक है। और दूसरा था हमारा रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी, जिसके अंदर डिस्क्राइब भी कर रहे हैं और डायग्नोस भी कर रहे हैं, और दोनों के लिए कॉमन डिजाइन बन रही है। रीजन वही कि ये सोशल रिसर्च के अंदर जनरली आता है। और तीसरी है रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज, यहाँ पर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं, और टेस्ट करना है तो डेफिनेटली हमें एक्सपेरिमेंट करने ही होंगे, और एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पर आपको मैनिपुलेशन भी करने होंगे। मैनिपुलेशन करोगे किसमें, मैनिपुलेशन करोगे आप उसके वेरिएबल्स में, ठीक है। तो इस तरह से हमने टॉपिक कवर कर लिया है, आज के टॉपिक में हम इतना करते हैं, गुड बाय, टेक केयर।